ओके भाई, तो आज अपने पास ना एक प्रीमियम मसाला आया है। ये इंडिया का पहला हैंड होल्ड कंसोल है RJ35, और इसको ना अपन कंसोल भी बोल लो, कंट्रोलर भी बोल लो, क्योंकि इसके अंदर गेम तो चली जाते हैं। साथ में एज ए कंट्रोलर अपन इसको LED में कनेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब इसके गेम LED टीवी के अंदर भी चल जाते हैं। तो नो डाउट यार, कंट्रोलर तो काफी धांसू है। तो वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपको कि ये क्या है, किन लोगों को बाय करना चाहिए और इसके अंदर क्या क्या अपने को मिल रहा है। तो चलो एक एक करके सारी बातें मैं तुम्हें बता देता हूँ, बस वीडियो को एंड तक यहाँ पे देखना यार। और पहली बार चैनल पर आ गया हो ना तो सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ भाई, प्रीमियम से याद आया मुझे, इसकी प्राइस भी प्रीमियम है। ये अपना लॉन्च हुआ है यहाँ पे 7,499 रुपए में। और ये जो कंसोल है ना, ये रिसेंटली ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ है। और भाई साहब, ये इतना ज्यादा फेमस हो रहा है ना कि ज्यादातर इसके जो यूनिट है वो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। तो जब आप इसको ऑर्डर करोगे तो इस टाइप से आपको यहाँ पे व्हाइट बॉक्स मिलेगा। RJ35 इसका मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन है। बॉक्स में से चमचमाता अपना यहाँ पे व्हाइट कलर का एक कंट्रोलर मिलेगा। ये ट्रांसपेरेंट व्हाइट है वैसे। और भाई मैं ना काफी सरप्राइज हो गया, क्योंकि इसके अंदर अपने को स्क्रीन गार्ड भी मिल रहा है प्रोटेक्शन के लिए। भाई बड़े बड़े कंसोल के अंदर स्क्रीन गार्ड नहीं रहता, लेकिन इसके अंदर अपने को दे रखा है। इसके अलावा बॉक्स में से एक चार्जिंग केबल अपने को मिल जाएगी टाइप सी की, जिसकी क्वालिटी भी सॉलिड है भाई। अब गाइस, इस टाइप के जो हैंड होल्ड कंसोल होते हैं ना, इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अपन जनरली इसको हाथ में लेके खेलते हैं। अब बिल्ड क्वालिटी इसकी कैसी है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं तुम्हें दे देता हूं। ये जो अपना कंसोल है, ये प्रॉपर प्लास्टिक का बना हुआ है। और भाई लुक इसकी एक तरफा है, मतलब ये ना तीन वेरिएंट में लॉन्च हुआ है ग्लोबली। एक तो है ग्रे, एक है ट्रांसपेरेंट व्हाइट और एक है ट्रांसपेरेंट पर्पल। तो आज अपने पास ना ट्रांसपेरेंट व्हाइट आया है, जो भाई एक तरफा लगता है, क्योंकि इसके अंदर के सारे सामान दिख जाते हैं यहाँ पे। और ये जो पूरा कंसोल है ना भाई, ये एक प्रीमियम कंसोल है, नो डाउट। ऊपर की तरफ अपने को एक HDMI आउटपुट मिल जाएगा, जिसके थ्रू अपन बड़ी टीवी में इसका आउटपुट ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही कंट्रोलर के थ्रू यूज करना है ना, तो जो बड़ी LED होती है ना, उसके अंदर आप इसका आउटपुट भी ले सकते हो मिनी HDMI केबल के थ्रू। इसके पास अपने को इंडिकेटर लाइट मिल जाएगी, जिसमें अपने को पता चलेगा कि ये ऑन है या ऑफ है। लेफ्ट साइड में अपने को एक पावर का बटन मिल जाएगा, उसके नीचे एक रिसेट का बटन है। और ये वाला जो सेक्शन है ना, इसके अंदर इसका गेम कार्ड लगता है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि गेम कार्ड इसके अंदर कौन सा लगा हुआ है। लेफ्ट साइड में इसके वॉल्यूम अप डाउन के बटन मिल जाएंगे। और भाई ये जो अपना कंसोल है ना, ये एब्रोनिक कंपनी का है, जो ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है। इसका मॉडल नंबर है RJ35। और हाँ भाई, बैक साइड में अपने को R1, R2, L1, L2 का बटन मिल जाएंगे। और ये सारे बटन भाई बहुत ज्यादा क्लिकी है। तो नो डाउट भाई, अगर आप इसको लंबा यहाँ पे यूज करोगे ना गेमिंग के लिए, तो इसके बटन की सर्विस बहुत लंबी है भाई, क्योंकि सारे बटन इसके प्रीमियम क्वालिटी के है। फ्रंट साइड में अपने को ये जो पार्ट दिख रहा है, इसके अंदर इसका स्पीकर लगा हुआ है। और स्पीकर की क्वालिटी ना भाई मीडियम है, मतलब ऐसे लाउड भी नहीं है और ऐसे दबी दबी ऑडियो भी नहीं है, काम आपका चला देगी। लेकिन इसके अंदर अपने को हेडफोन का भी पोर्ट मिलता है, तो अगर आप यहाँ पे हेडफोन या फिर एयरफोन कनेक्ट करके गेम खेलना चाहते हो ना, तो उसका भी पोर्ट यहाँ पे दे रखा है 3.5mm जैक का। और भाई इस कंसोल का सबसे की हाईलाइट पॉइंट है कि इसके अंदर अपन एक्सटर्नल कंट्रोलर को ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस टाइप का कंट्रोलर हुआ ना वायरलेस वाला, तो उसका जो डोंगल होता है या रिसीवर होता है ना, उसको यहाँ पे कनेक्ट भी कर सकते हैं अपन OTG केबल के थ्रू। तो अगर आप इसको यहाँ पे LED टीवी से कनेक्ट करते हो ना HDMI केबल के थ्रू, तो ये तो आपका यहाँ पे गेम बॉक्स बन जाएगा और कंट्रोलर के थ्रू आप गेम भी खेल सकते हो। फिर आपको की जरूरत ही नहीं है, इसका सारा आउटपुट यहाँ पे LED टीवी के अंदर चलेगा। तो ये वाला जो फीचर है ना भाई, ऑसम है, मतलब इस प्राइस रेंज में इस टाइप का फीचर मिलना काफी लाजवाब है। इसके अलावा इसके अंदर जो मेन्यू का बटन दे रखा है ना भाई, ये काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर आप किसी भी गेम को यहाँ पे सेव करना चाहते हो ना, तो मेन्यू का बटन दबा के आप उस गेम को सेव कर सकते हो। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो कंट्रोलर है ना, इसके जो इंटरनल पार्ट है उनकी क्वालिटी भाई प्रीमियम है। मतलब सारे कंपोनेंट्स जो इसके अंदर यूज किए गए ना, जैसे कि बटन से, बैटरी से, डिस्प्ले, वो सारी यहाँ पे टॉप नॉच क्वालिटी की भाई, उसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा यहाँ पे। और हाँ भाई, मैंने वीडियो में आपको आगे बताया था कि इसके अंदर अपने को यहाँ पे गेम कार्ड भी मिलता है। देखो जनरली कंपनी वाले तो इसको गेम कार्ड बोलते हैं, लेकिन अपने लिए वो मेमोरी कार्ड है। इसके अंदर अपने को 2 TF कार्ड के स्लॉट मिल जाएंगे, जिसमें से एक TF कार्ड स्लॉट के अंदर 64GB का मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। तो जितने भी गेम्स की लाइब्रेरी और टाइटल इसके अंदर है ना भाई, वो मेमोरी कार्ड के अंदर ही सेव है। इसके अंदर कोई इंटरनल मेमोरी है ही नहीं, बस ये मेमोरी कार्ड जो है ना, उसके थ्रू ही अपन इसके अंदर सारे गेम खेल रहे हैं। और अगर आप अपने फेवरेट गेम या लाइब्रेरी इसके अंदर यूज करना चाहते हो ना, तो एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट अपने को एक्स्ट्रा दे रखा है। लेकिन उसके लिए ना आपको रोम इंस्टॉल करनी पड़ेगी मेमोरी कार्ड में, फिर उसके बाद इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो एक लेंथी प्रोसेस है। और ऑब्वियसली इस बारे में तो मैं आपको इस वीडियो में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन हो सकता है। अब भाई तुम यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इस कंसोल को यहाँ पे लोग क्यों खरीदते हैं, क्योंकि फेमस तो ये बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इसके अंदर जो अपने को यहाँ पे रेट्रो से गेम मिलते हैं ना 90s के टाइम पे, जैसे कॉन्ट्रा से, उसके अलावा भी बहुत सारे गेम अपन ने बचपन में खेला यार, वो सारे गेम इसके अंदर अपने को मिलते हैं। और इसी वजह से ये इतना ज्यादा डिमांड में रहता है हमेशा यार, क्योंकि ना लोग उस टाइप के जो रेट्रो गेम है ना, उनको एंजॉय करना चाहते हैं इस टाइप के कंसोल में। अब भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं ना, तो मैं इसको काफी टाइम से यहाँ पे यूज कर रहा हूँ,
और इसकी डिस्प्ले भाई बहुत अट्रैक्टिव है गाइस। इसके अंदर जो अपने को डिस्प्ले मिल रही है ना उसके कलर काफी ज्यादा वाइब्रेंट है और पंची है, मतलब कलर की क्वालिटी ओवरऑल यहाँ पे काफी अच्छी है, शार्प कलर अपने को मिलेंगे। और क्योंकि ये IPS डिस्प्ले है ना भाई तो व्यू एंगल इसका यहाँ पे काफी अच्छा है यार, आप किसी भी एंगल से अगर इसको देखोगे ना तो व्यू एंगल आपको परफेक्ट यहाँ पे मिलेगा। साथ में ओवरऑल इसकी जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा शार्प है और जो कंपनी वाले है ना भाई वो भी IPS डिस्प्ले को ही बता के यहाँ पे इसको सेल कर रहे हैं क्योंकि ये इसका की हाईलाइट पॉइंट है। अब भाई इसके अंदर ऑब्वियसली अपन गेम खेल सकते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन भी होगी तो वो मैं तुम्हें एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद इसका गेम टेस्ट करेंगे अपन। तो इस गेमिंग कंसोल के अंदर जो अपने को CPU मिलता है वो है Quad-Core का Cortex A9। अब भाई मैंने कह रहा है कि जो प्रोसेसर है ये सबसे बेस्ट है लेकिन कंसोल के हिसाब से ये परफेक्ट प्रोसेसर माना जाता है Cortex A9 वाला। अब इसके अंदर जो GPU यहाँ पे यूज किया गया है ना वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। इसके अंदर जो RAM है ना वो DDR3 की 256 MB RAM है भाई, देखो कंसोल के अंदर MB में RAM आती है तो 256 के इसके अंदर RAM है और ये जो RAM है ना भाई ये इफिशियंट है गेमिंग को प्ले करने के लिए, मतलब गेमिंग इसके अंदर ओवरऑल सारी यहाँ पे प्ले हो जाती है। 2100 mAh की इसके अंदर अपने को बैटरी मिलेगी जिसके थ्रू अपन 5 घंटे तक लगातार इसके अंदर गेम खेल सकते हैं। देखो भाई मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके अंदर 4000 mAh की यहाँ पे बैटरी होनी चाहिए थी बट बैटरी इसके अंदर 2100 mAh की अपने को मिलेगी तो 5 घंटे तक अपन कंटिन्यूसली इसके अंदर गेम खेल पाएंगे भाई। और इस कंसोल का जो UI है ना भाई उसके तो पूछे ही मत तुम, मतलब अब तक का सबसे क्लियर और सिंपल UI इसके अंदर मुझे मिला है। इसका UI ना काफी अट्रैक्टिव है यार, प्रोफेशनल UI अपन बोल सकते हैं। इसका जो UI है ना उसके अंदर अपने को गेम रूम मिलता है, फेयरवेट्स का ऑप्शन मिलता है, हिस्ट्री कौन कौन से गेम आपने खेले उन सभी की हिस्ट्री यहाँ पर जाती है। इसके अलावा गेम को आप यहाँ पे मैनुअली सर्च भी कर सकते हो तो इसका जो UI है ना वो इतना ज्यादा सिंपल है यार कि हर कोई इसको यूज कर सकता है आसानी से। इसके अलावा जो इसका मेन्यू मिल रहा है ना भाई उसके अंदर तो हद की सेटिंग भरी हुई है यहाँ पे, मतलब आपको हर तरीके की जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है ना वो इसके मेन्यू के अंदर मिल जाएगी। और तुम्हें ना एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, ये एक टाइप का मिनी हैंडहोल्ड कंसोल है। अब लोग बाग इस टाइप के कंसोल को इसलिए यहाँ पे प्रेफर करते हैं क्योंकि ये पोर्टेबल होता है भाई, पॉकेट में आराम से रख सकते हो आप, कभी भी ट्रेवल कर रहे हो तो जेब से निकाला और फट गेमिंग खेलने लग गया अपन, तो इस टाइप का कंसोल इसलिए फेमस होते हैं भाई क्योंकि ये मिनी साइज में होते हैं। अब एक दो गेम अपन प्ले करके देखते हैं यार कि परफॉर्मेंस अपने को कैसी मिलेगी गेमिंग के टाइम पर। अब देखो भाई आप इसके अंदर किसी भी टाइप का गेम खेल लो, चाहे PS1 का खेल लो या फिर रेट्रोस का गेम खेलो, परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे टॉप नॉच मिलेगी भाई। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी तगड़ी अपने को मिलेगी ना यार कि 1% भी ये लैग नहीं होगा, क्रैश नहीं होगा, हैंग नहीं होगा, मतलब ओवरऑल क्रिस्पी और फास्ट इसकी परफॉर्मेंस है। अब भाई तुम ही सोचो ना इस डिवाइस को बनाया था के लिए गेमिंग खेलने के लिए, ऑब्वियसली तो गेम तो अच्छे चलेंगे इसके अंदर यार। इसके अंदर जितने भी गेम है ना भाई सारे गेम प्लेबल है, एक डिसेंट रेजुलेशन और अच्छी FPS के अंदर चलते हैं तो परफॉर्मेंस तो एक तरफा है भाई इसके गेमिंग के अंदर। और इसका UI स्मूथ और ऑप्टिमाइज है तो गेम अच्छी तरीके से इसके अंदर लोड हो जाते हैं। और इस कंसोल के अंदर अपने को हैप्टिक फीडबैक भी मिलता है, मतलब इसके अंदर मोटर है यार हैप्टिक फीडबैक की, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है ना वो इतना अच्छा मुझे मिला नहीं यार, मतलब जो वाइब्रेशन है ना इसकी वो डिसेंट लेवल की, तो स्पीकर और वाइब्रेशन इसके डिसेंट है यार। ओके गाइस अब सबसे मेन बात कि ये खरीदना चाहिए या नहीं। अब भाई तुम्हें एक बात मैं यहां पे बता दूं, ये जो डिवाइस है ना नो डाउट प्रीमियम है, तो ऑब्वियसली अगर आपको गेमिंग के लिए एक पर्टिकुलर डिवाइस चाहिए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो भाई क्योंकि डिस्प्ले और बटन्स की क्वालिटी सॉलिड है इसकी, तो नो डाउट अगर आपको यहाँ पे गेमिंग करनी है ना तो ये बेस्ट चॉइस है भाई, क्योंकि अगर अपन पैसा दे रहे हैं ना तो चीज भी अपने को उसी लेवल की मिल रही है। लेकिन इसकी एक डाउन पॉइंट मुझे ये लगा है भाई कि इसके अंदर अपने को कोई ब्लूटूथ नहीं मिलता और वाईफाई भी नहीं मिलता, ये टोटली यहाँ पे ऑफलाइन है भाई, इसका कोई भी अपडेशन अपन ऑनलाइन नहीं कर सकते, कोई भी गेम इसके अंदर अपन डाउनलोड नहीं कर सकते, ये यहाँ पे ऑफलाइन काम करता है, ऑनलाइन इसकी कनेक्टिविटी होती ही नहीं है। और क्योंकि ये 7000 रुपये का कंसोल है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अपने को यहाँ पे टच स्क्रीन मिलेगी, लेकिन इसकी जो स्क्रीन है ना भाई वो टच नहीं है, मतलब आपको बटन से ही कंट्रोल करना पड़ेगा इसको, तो डेफिनेटली ये रिकमेंडेड है भाई। तो पूरी वीडियो को तो आपने देखा ही है यार, तो आप डिसीजन ले लेना अगर आपको इसको खरीदना है तो। ये यहाँ पे एक्सक्लूसिव अवेलेबल है इंडिया के अंदर electronicsindia.com पर, इस वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा, तो बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको बाय कर सकते हो और वेबसाइट 100% सेफ है भाई, तभी तो ये मेरे पास आया है, तो उस मामले में तुम टेंशन मत लेना। तो वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना, कुछ नया प्रोडक्ट था यार ये, इनफैक्ट इंडिया का ये पहला प्रोडक्ट था, तो मुझे बताना कमेंट करके वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।